theme adult picture ki. The poster attracts the youth, yuva pidi youth ko attract karta hai. But chatpate ke saath film mein ek message hai, film mein ek kahani hai aur 18 ke upar wala koi bachcha apne maa baap ke saath dekhne ke liye film sharmayega nahi. It's not wrong, sex is not bad. And sex is not cheap. And sex is not vulgar. This is what the film tells. We here are not here to see a woman having sex. We here are showing the, we are exploring the sexuality of a girl from a girl's point of view with due respect. Youngsters, come, it's for you. It's made by the youngsters. Please come. Ek kodi ki kanchi nahi chali, as it is, without a cut certificate mila hai censor se. Film mein kya fark hai? Ye us film ko bahut acche se banati hai. Vivek, mere bhai ne jo dekha tha, usne aap sabko interview bhi diya tha ki rishton ki pakad is film mein bahut achhi hai. Usko hakka rishta gana bhi sabse zyada acha laga. Baki jo kuch dost the mere, unhone dekha, unhone kaha hum ghar pe jaake apni patniyon se maafi mangenge aur aaj se ek alag nazariye se dekhenge youth kadam uthane aur samal ke uthane mein kya fark hai. वो फिल्म दिखाती है। 18 अक्टूबर फिल्म मुंबई सर्किट यानी कि मुंबई, गुजरात, गोवा, कर्नाटक का हिस्सा जो आता है, बिहार, झारखंड, निजाम, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब में रिलीज हो गई है। अच्छा लगा, आज जो हमारे जिंदगी का सपना पूरा हुआ, पहला शो था, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो, तो बहुत खुश है कि पृथ्वी जी ने एक बहुत बोल्ड टॉपिक हिम्मत करके इसकी पिक्चर बनाई है और बहुत अच्छी तरह से पूरी पिक्चर कंप्लीट होके रिले हुई है. तो जो मैसेज देना चाह रहे थे इस मूवी के दौरान वो पिक्चर में साफ नज़र आ रहा है और काफ़ी लोग ये पिक्चर देख रहे हैं. बोल्ड सीन देना और किसी कैरेक्टर को जस्टिफाई करना बहुत फ़र्क होता है और शायद मैंने अगर उतने डेयरिंग से जस्टिफाई नहीं कर पाती तो कैरेक्टर कहीं ना कहीं मर जाता और ये चीज़ मेरी मम्मा, मेरे मौसा जी या मेरी फैमिली मेंबर बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अप्रिशिएट किए. तो आई डोंट थिंक कि मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि यार मैंने ये क्या किया. नो, फिल्म देखी पता मुझे क्या, जब नीचे उतर यात्री से तब मम्मा ने कुछ इमोशन कहा बेटा अच्छा काम किया या वगैरह वगैरह? यस, दिस इज माई फर्स्ट फिल्म और बचपन से मम्मा का शौक था, मम्मा का खास करके कि मैं पर्दे पे जाऊं, एक्ट्रेस बनूं और मेरे पापा का ये बहुत, पापा की ये बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं बड़े पर्दे पे दिखूं. आज वो मेरे साथ नहीं है लेकिन मुझे पता है और मम्मा को भी बिलीव है, जहाँ पे भी होंगे ना बहुत खुश होंगे, एटलीस्ट मेरे लिए बहुत खुश होंगे. आई वॉज एब नॉर्मल चाइल्ड, बच्चों को बनाना है, माँ बाप ने वो किया और वही चीज़ मेरे शायद आप पर्दे पे देख रहे होंगे कि अपने बच्चे के लिए मैं कितना फाइट करती हूँ. वो मैं अपने माँ बाप से सीखी, अपने सर से सीखी, एक छोटे से बच्चे को या फिर अपना अपने अंदर जो पल रहा है उसको कैसे फील करते हैं और उसके लिए, उसके वजूद के लिए हम कितनी फाइट करते हैं दुनिया से, लाइफ में बहुत स्ट्रांग लगी और अपने डिसीजन पे अडिग रहना कैसे आता है आई नो दैट. मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी परवरिश दी है, बेटा जो करते हो ना लाइफ में एक सच्चाई के साथ करो, एक मेहनत के साथ करो, हमेशा गोल को पाओ. और मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें आप अगर आपको अचीव करना है ना आपको उसके लिए ज़िद्द ढाननी पड़ेगी. अगर नहीं किया ना, उस ज़िद्द की शिद्दत में थोड़ी सी भी कमी आई ना तो बैलेंस गड़बड़ा जाए. और जैसे मैं कैरेक्टर की बात करूं, ठीक है, शादी के पहले एक फिजिकल नीड्स होती है, हर किसी की होती है. पहले हमें हमारी शादी बचपन में हो जाया करती थी तो फिजिकल नीड्स पूरी हो जाया करती थी. अभी हम अपने करियर ओरिएंटेड होते हैं, गर्ल्स को बाहर जाना होता है, सर्विस करना होता है, पढ़ाई लिखाई इतनी होती है और पूरे अभी ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा ओपन है तो उस चीज़ का इफेक्ट कहीं ना कहीं हम गर्ल्स पर भी पड़ता है और हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते. और एक बार जब वो प्यार किसी को सौंप दिया ना उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ उसी की है और वो डिसीजन ले करके और आगे बढ़ना, पूरी लाइफ लॉन्ग उसको
एक सच्चाई, एक एक पवित्र रिश्ता की तरह आप निभाते हो ना, वो चीज़ इसमें दिखाया है। इस बच्चे के लाइफ को लेके मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि इसमें पापा की सपना ही नहीं, मैं अपने मेरा धरोहर को भी आज इसने पूर्ण किया। पापा का सपना था कि जो जिस दिन मेरी बेटी पर्दा पर आएगी, उस दिन मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी खुशी हो। मेरी बेटी ने इस चीज़ को आज पूरा किया है, इसलिए मैं आज हस्बैंड के गुजरने के बाद मैं आज फर्स्ट दिन है जो कि मैं आज खुश हूँ। आज फर्स्ट दिन है कि मैंने हंसी, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और मेरी बेटी जो है, मैं 7 बच्चे की माँ हूँ, मेरे साथ 6 बेटियाँ हैं, 1 बेटे हैं, जो कि प्रेरणादायक माँ तो नहीं बन सकती हूँ, ये तो आप लोग बताएंगे, लेकिन मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ कि मैंने बच्चे को आज के दिन के अनुसार मैंने सही तो नहीं रही, ये मेरी खुशी की बात है, क्योंकि इसने आज पापा की सपना को पूरा किया। नाच गाने में जब इंटरेस्टेड थी, और मैंने सारे बच्चे को जब से जिस चीज़ में इंटरेस्ट हुआ, मैंने उसी में उस सबको प्रोत्साहन दिया। और मेरे सारे बच्चे अपने अपने सब्जेक्ट में, अपने अपने विषय में जो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड थे, सब आगे बढ़े और सब अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख के आगे बढ़े और अभी तक सक्सेस रहे। अच्छा, कमेंट ये है कि हम 1000 किलोमीटर दूर से जो है सिर्फ इसी काम के लिए आए कि नहीं बेटे का है, हाँ बेटी का है तो जाना है। फिल्म देखा आपने, कैसी लगी फिल्म? मैं तो बहुत अच्छी लगी, इसका काम बहुत अच्छा लगा। पूरे फिल्म में एक तरह से कहिए कि सोलो स्टार की तरह जो है, एक मतलब एक होता है ना फिल्म की, एक ही व्यक्ति के दमखम पे पूरी फिल्म। गांव में जाके सबसे बताएंगे कि नहीं, श्योर श्योर, ठीक। थैंक यू।